नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैं पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप एसएससी सीएचएसएल 2020 टीयर टू के एग्जाम में 70 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मैं आपकी टीयर टू की प्रिपरेशन कराने वाला हूँ, इससे पहले मैंने 2019 वाले एस्पिरेंट की प्रिपरेशन कराई थी। मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको क्या क्या यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको जो बुकलेट वहां पे मिलेगी उसका जो फर्स्ट पेज होगा उस पे जो डिटेल्स आपको भरनी है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका फॉर्मेट आपको दिया जाएगा, यहाँ पे आप इसे ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इसको भरने में स्टूडेंट बहुत ज्यादा गलती करते हैं। तो बुकलेट आपको इसका फॉर्मेट दिया जाएगा। उसके अलावा आपको जिसपे एसे और लेटर लिखने को मिलेगा उस कॉपी का प्रोसेस क्या होगा, वो कॉपी कैसी होगी, तो वो आपको कॉपी भी दी जाएगी। ठीक है, इसका फॉर्मेट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ जिसपे आपको डेली प्रैक्टिस करके डेली जो है एसे और लेटर लिख के मुझे सेंड करना है, डेली आपकी कॉपी चेक होगी। अभी मैं पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो ये फॉर्मेट भी आपको मिलेगा, इसका आपको प्रिंट आउट निकलवाना है और इसी पे प्रैक्टिस करके मुझे आपको मैटर जो है सेंड करना है। उसके अलावा आप कैसे किन किन चीजों का फॉलो करेंगे, यानी कि किस तरीके से आप यूएफएम को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि यूएफएम का बहुत ही ज्यादा लोचा रहता है, तो यूएफएम को कैसे अवॉइड करना है उसके लिए डिटेल में मैंने सारी चीजें बता दी है, आप लोग देख पा रहे होंगे, बस आप लोग देखते जाइए। इसके अलावा जो आरटीआई की कॉपी है वो आपको ढेर सारी आरटीआई की जो कॉपी है उनके द्वारा मैं एक्सप्लेन कराऊंगा कि किस तरीके से इन्होंने स्कोर किया, जो अच्छे बच्चे हैं और जो बेकार बच्चे हैं, जिन्होंने कम स्कोर किया वो किस रीजन की वजह से किया, अच्छा स्कोर किया तो किस रीजन की वजह से किया। तो जो तमाम एस्पिरेंट हैं उनकी आपको आरटीआई की जो कॉपी है आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इंग्लिश में भी आपको मिल जाएंगी और हिंदी में भी। जो पूरा कंटेंट है वो इंग्लिश में भी मिलने वाला है और हिंदी में भी मिलने वाला है, तो आरटीआई की कॉपी मिलेगी। उसके अलावा जो हमारा सबसे मेन फोकस है वो बेसिक पे है। अगर आपको किसी चीज का बेसिक आ गया, जैसे ऐसे लिखने के लिए आता है, तो ऐसे का अगर आपका फंडामेंटल क्लियर हो गया कि ऐसे कैसे लिखना है, चाहे फिर वो किसी भी टॉपिक पे आपको दिया जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं। कैसे कॉमन टॉपिक पे अगर आएगा तो किन किन चीजों को आपको दिमाग में रखना है ताकि आप कॉमन टॉपिक पे लिख सकते हैं। अगर करंट टॉपिक पे आएगा तो आप किस तरीके से लिख पाएंगे। अगर मान लेते हैं आपको चीजें नहीं पता है, फिर भी उसके अलावा आप किस तरीके से अपनी जो इन्फॉर्मेशन आपने गैदर की है उसको यूज करते हुए आप किस तरीके से बेटर ऐसे लिख सकते हैं। उसके अलावा लेटर कैसे आपको लिखना है, फॉर्मल लेटर कैसे लिखेंगे, इनफॉर्मल कैसे लिखेंगे, कितने नंबर मिलते हैं, जैसे जो ऐसे है ऐसे में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है नंबर का, किस चीज के कितने कितने नंबर मिलते हैं, वो सारा मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा कैसे आपको कॉमन टॉपिक पे लिखना है, इस तरीके से ये पीडीएफ है। उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्टिव में जो है करेंट टॉपिक पे अगर आपका ऐसे आता है तो आप कैसे लिख सकते हैं, किन किन चीजों को आपको अवॉइड करना है, यूएफएम को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। उसके अलावा लेटर आप कैसे लिखेंगे, लेटर लिखने का तरीका क्या होगा, लेटर में नंबर जो है वो किस तरीके से मिलते हैं, नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। उसके अलावा जो आपके अभी तक जितने भी एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एमटीएस में जितने भी टॉपिक पे आपका ऐसे और लेटर पूछा गया है वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा, वो सारा कंटेंट मिलने वाला है। इसके अलावा ये कंटेंट आपका हिंदी में भी है, आप लोग देख पा रहे होंगे निबंध लिखने का तरीका, किस तरीके से आप निबंध लिख सकते हैं। उसके अलावा जो जो अभी तक आपके आ चुके हैं निबंध, अभी तक चाहे वो सीएचएसएल में आया हो, सीजीएल में आया, एमटीएस में आया हो, जो भी एग्जाम एसएससी कंडक्ट कराती है वो सारे आपको प्रीवियस ईयर के जो है वो यहाँ पे सारा कंटेंट मिलने वाला है। उसके अलावा आपको 100 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऐसे हैं वो आपको मिलेंगे, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे उसकी पीडीएफ मिलेगी, जैसे स्किल इंडिया है इस पे, उसके अलावा जैसे ब्लैक मनी है। मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट दिखा रहा हूँ किस तरीके से जो कंटेंट हम आपको देने वाले हैं वो मिलने वाला है। इसके अलावा जैसे आप ये हिंदी इंग्लिश का जो कंटेंट है वो आप देख पा रहे होंगे, ऐसे ही आपको हिंदी में भी कंटेंट मिलने वाला है। हिंदी का कंटेंट मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे वस्तु एवं सेवा कर, उसके अलावा अगला जो टॉपिक है जैसे तीन तलाक, इसमें कैसे लिखना है, तो आपको 100 प्लस इंग्लिश में भी मिलेंगे ऐसे और 100 प्लस हिंदी में भी मिलेंगे। उसके अलावा हिंदी में भी आपको लेटर जो है कैसे लिखना है, कैसे आप औपचारिक लेटर लिख सकते हैं, अनौपचारिक लेटर कैसे लिख सकते हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे, आपको 100 प्लस लेटर भी मिल जाएंगे, लेटर किस तरीके से आप
सभी जितने भी पॉइंट पे लेटर आप कहा सकता है वो सारे हमने लेटर आपको दे दिए, जैसे इस तरीके से आप लोग देख पाएंगे। उसके अलावा 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं टॉपिक आपको सिर्फ दूंगा लास्ट में, जिनसे आपका उनको आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, इस तरीके से मैंने बना दिया है। उसके अलावा जो इनके प्रारूप हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझा, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट ढेर सारे फॉर्मेट जो है मैंने समझा दिए हैं, इस तरीके से समझाया कि आप कभी भूलोगे नहीं। आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं इस वजह से आपको ये सारी चीज़ दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि जो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ वो किस तरीके की है। उसके अलावा आपको क्या क्या चीज़ें, जैसे जो मेन मेन पॉइंट है, जिस तरीके से आप कभी भूलोगे नहीं कि जैसे जिसे पत्र लिखना है उसके लिए आप किन किन वर्ड का यूज करेंगे, संबोधन क्या क्या करेंगे, अभिवादन क्या क्या करेंगे, इनफॉर्मल फॉर्मल सभी का। तो ओवरऑल ये जो कंटेंट है जितना भी मैंने दिखाया, इसमें आपको आरटीआई की कॉपी मिलेगी, उसके अलावा 100+ आपको इंग्लिश में से मिलेंगे, 100+ आपको हिंदी में से मिलेंगे, उसके अलावा 100+ लेटर आपको मिलेंगे, उसके अलावा 100+ लेटर आपको हिंदी में मिलेंगे। लेटर कैसे लिखेंगे, लेटर कैसे लिखा जाता है, औपचारिक कैसे लिखेंगे, अनौपचारिक कैसे लिखेंगे, क्या तरीका होता है लिखने का, कितने नंबर मिलते हैं, किस चीज का कितना नंबर मिलता है, और कैसे एक अच्छा लेटर लिख सकते हैं, कैसे एक अच्छा ऐसे लिखा जा सकता है। उसके अलावा ढेर सारी आरटीआई कॉपी जो है उनका एक्सप्लेनेशन मैं कराने वाला हूँ। उसके अलावा फॉर्मेट भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जैसा वहां पे फॉर्मेट आपका दिया जाता है। सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पे आपको डेली एक टॉपिक ऐसे का दिया जाएगा, और जो टॉपिक मैं डेली आपको कराऊंगा वो इम्पॉर्टेंट होंगे, वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ही आपको दिए जाएंगे। तो एक डेली आपको लेटर का टॉपिक दिया जाएगा, एक ऐसे का टॉपिक दिया जाएगा, वो आपको लिख के सेंड करना है। इस तरीके की जो फॉर्मेट आपको प्रोवाइड कराऊंगा इसी पे आपको लिखना है, इसी पे प्रैक्टिस कराऊंगा, और वो आपको कॉपी मेरे पास सेंड करनी है डेली। उसमें आपको नंबर मिलेंगे, आपको ये भी बताया जाएगा कि आपने क्या गलती की है, क्या नहीं की है, आपको क्या इम्प्रूव करना है, किस तरीके से आप और अच्छा कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो तमाम जानकारी है ये वीडियो लेक्चर के माध्यम से भी आपको मिलने वाली है, जितने भी टॉपिक हैं वो मैं आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझाने वाला हूँ। तो कंप्लीट ये जो कोर्स है हमारा वो तब तक चलने वाला जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। अभी जो इसका प्राइस है, अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो प्राइस हमने इतना कम रखा है कि हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कोर्स आपको कैसे मिलेगा। तो ये आपका पेड कोर्स है, और इसकी जो फीस हमने रखी है वो इतनी कम रखी है कि हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है। ये जो कंप्लीट आपको कोर्स मिलने वाला है, जो आपका जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक चलने वाला है, और इसके लिए अभी जो हमने प्राइस रखा है वो सिर्फ 299 रखा है, यानी कि सिर्फ 299 रुपए में ये सारा कुछ आपको पीडीएफ के माध्यम से मिलने वाला है। डेली आपकी मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, उसके अलावा वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे। तो सारा कुछ आपको सिर्फ 299 में मिलने वाला है। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है, अब बात कर लेते हैं कि आप इस कोर्स में एनरोल कैसे कर सकते हैं। तो 299 का ये कंप्लीट कोर्स आपको मिलने वाला है। अगर आप इसके लिए पेमेंट करना चाहते हैं तो पेमेंट का मेथड क्या होगा, तो पेमेंट आप अकाउंट नंबर पे भी कर सकते हैं, फोन पे भी कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं। अगर आप फोन पे यूजर हैं तो 6307185699 आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, 6307185699 ये है फोन पे का नंबर, इस पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप फोन पे के अलावा कोई और प्लेटफॉर्म से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी पे भी कर सकते हैं। यूपीआई आईडी क्या है, 6307185699@yvl 6307185699@yvl। इसके अलावा अगर आप किसी और सोर्स पे अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। उसके अलावा अगर कोर्स के बारे में आपको कोई भी डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपके सारे डाउट में यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। और एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमने इसका प्राइस जो है वो 299 रुपीज रखा है, लेकिन जब टीयर वन का आपका रिजल्ट आ जाएगा, अनाउंस हो जाएगा, उसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर वो वाकई में सीरियस है और वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो कोर्स में जल्द से जल्द इनरोल कर लें, क्योंकि जो टीयर वन का काम है वो खत्म हो चुका है, जो आप बेहतर अब कर सकते हैं वो टीयर टू में ही कर सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ आपको दो ही ऑप्शन मिलते हैं, तो एक तो ऑप्शन आपका चला गया
अब जो आप बेहतर करेंगे वो टीयर टू में करेंगे, तो टीयर टू पे पूरा फोकस डाल दीजिए। और इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर जिस तरीके से मैं आपकी प्रिपरेशन कराने वाला हूँ, अगर आपने मन से प्रिपरेशन कर ली तो 70+ नंबर आपके आएंगे 110%। अभी 2019 वाले बच्चों का रिजल्ट आने दीजिए, उनका तमाम बच्चों का स्कोर कार्ड आपको डेली यहाँ पे मैं शेयर करूंगा। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की, उम्मीद है कि अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा होगा तो सारा कुछ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि एक राइट कंटेंट ज्यादातर लोगों के बीच में पहुंच सके। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।